असलम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर सिक्स डेड लॉक्स आज हम पढ़ेंगे डेड लॉक अवॉइडेंस में डेड पेंकर्स एलग्रीथम के बेंकर्स एलग्रीथम के जरिए हम कैसे डेड लॉक को अवॉइड कर सकते हैं बेंकर्स एलग्रीथम जो है वो लेस एफिशिएंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एलग्रथम जो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है ये ज़्यादा अप्लाई होता है मल्टीपल इंटेंसिस यहाँ पे एक ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों यानी प्रोसेस हों फॉर ईच रिसोर्स टाइप ज़्यादातर ये बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि हर न्यू प्रोसेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसी को के उसको रिसोर्स टाइप दी जाए यानी मैक्सिमम उसको रिसोर्स दी जाए जितनी उसको चाहिए उससे ज़्यादा तकरीबन पार्ट्स ऑफ एलग्रेथम क्या होते हैं कि सेफ्टी एलग्रेथम वेदर आर नॉट अ सिस्टम इज़ इन अ सेफ स्टेट वेदर आर नॉट आ रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रोसेस कैट रिसोर्स लेट द सिस्टम टू अन सफिशेंट स्टेट यानी अब इसमें ये प्रोसेस हैं टेप टाइप्स हमें फ़र्ज करें अब हमारे बैंकर्स एलग्रेथम बेसिकली तीन चीज़ों को अलाउ करता है और एक चीज को प्रिवेंट करता है हमने पढ़ा था कि डेड लॉक फोर चीज़ों से आता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन वेट एंड होल्ड नॉन प्रियम्पन तो और सर्कुलर वेट बैंकर्स एल्गोरिथम जो होता है वो अवॉइड करता है सर्कुलर वेट को जिसकी वजह से डेड लॉक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तो इसमें हम मैक्सिमम रिसोर्स जो है वो उस न्यू प्रोसेस को देते हैं ताकि प्रोसेस जो है वो सेफ स्टेट में रहे अब बैंकर्स एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है कि इसमें एम जो है वो नंबर मैक्सिमम रिसोर्स टाइप है एंड नंबर ऑफ प्रोसेस हैं अब ये देखें कि इसमें हमारे पास छः टेप्स हैं थ्री प्लाटर्स हैं सिक्स प्रिंटर्स हैं टू सी डी रोम्स हैं तो अब ये देखें हमने तीन चार पाँच जो टेप रिकॉर्ड ट्राइप थे वो हमने रिसोर्स को दे दिए इसी तरह आर टू थ्री प्लाटर्स भी हमने दे दिए इसी तरह हमने आर थ्री जो हमारे पास फोर प्रिंटर्स थे वो दो दिए और दो अवेलेबल हैं इस टाइम और जो आर फोर यानी टू सीटीज थी सी, वो दोनों एलोकेट हैं यानी हम अगर इसको वैक्टर की सूरत में बनाएं तो सिक्स थ्री फोर टू और हमने जो दे दिए हैं वो फाइव थ्री टू टू हैं और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो हम किसी दूसरे प्रोसेस को दे सकते हैं वन जीरो टू जीरो तो ये एलोकेशन मैट्रिक्स है और ये हमारी नीड मैट्रिक्स है जो कि हमें चाहिए तो इस सरिये से हम पेंकस एल्गोरिथम जो है वो बनाते हैं जिसमें हम नीट मैट्रिक्स को देख के अन इक्वल टू इफ़ नो सच रो एस लाख में अक्कर यानी कि अगर जो रो वो से लेस है तो इट मीन्स के डेड लॉक नहीं आया अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स के डेड लॉक आने के चांसेस जाते हैं तो रिपीट ऑल प्रोसेस इफ ऑल प्रोसेस सक्सेसफुली टर्मिनेट इंडिकेट दैट द सिस्टम इज़ सेफ स्टेट इफ़ डेड लॉक अक्कर इंडिकेट सिस्टम इज़ अनसेफ तो वो अनसेफ होगा पैंकर सैलग्रिथम अलाउ करता है हैंडल मल्टीपल हैं सोर्स को ये मैंने अभी शुरू में भी बताया था अलाउ म्यूचुअल एक्सक्लूशन होल्ड एंड वेट एंड नो अ प्रोसेस में बी एलोकेटेड रिसोर्स विदाउट फियर ऑफ डेडलॉक सिस्टम हैज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर मेकिंग अ डिसीजन बिफोर असाइनिंग रिसोर्सिस टू प्रोसेसिस तो इसके जरिए से हम डेड लाक से बच सकते हैं थ्रू बैंकर्स एल्गोरिथम ऑल दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेस एफिशिएंट है लेकिन बैंकिंग सिस्टम के लिए ये मुफीद है इसी के साथ खुदा हाफिज उम्मीद है आपको ये बैंकर्स एल्गोरिथम समझ आ गया होगा कि जिसमें हम किसी भी न्यू प्रोसेस को मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंटेंसिटी ऑफ ईच रिक्वायर्ड रिसोर्स टाइप दे देते हैं ताकि वो इन फ्यूचर भी रेड लाख में ना आए वो स्टेट इसी के साथ